सीएसके को धोनी को इस छोटी सी गलती की वजह से राजस्थान रॉयल चेन्नई को 16 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल ने चेन्नई सुपर किंग को बीच आईपीएल 2020 का चौथा मैच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मुकाबले में अपने शानदार प्रदर्शन के चलते राजस्थान रॉयल ने इस मैच को 16 रन से अंतर में जीत लिया। इस मैच के बाद जीतने के बाद पॉइंट टेबल में दो महत्वपूर्ण अंक वर्जित भी कर लिए। इसके बाद टॉस चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जीता, लेकिन पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके पहले गेंदबाजी करने के राजस्थान रॉयल की शुरुआत खराबी रही। ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 6 रन अपनी टीम के मात्र 11 रन के स्कोर पर ही आउट हो गए। इसके बाद उन्हें दूसरे विकेट के लिए कप्तान स्मिथ संजू सैमसन 121 रन तक शानदार साझेदारी की थी। हालांकि इस साझेदारी से टूटने के राजस्थान रॉयल की पारी लड़खड़ाने लगी और 178 रन के अंदर 7 विकेट गंवा दिए थे। अंत में जोफा आचार्य ने कुछ शॉर्टेज लगाए राजस्थान रॉयल को स्कोर निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के अनुसार पर 216 रन तक पहुंचा दिए। राजस्थान रॉयल की तरफ से ज़्यादातर 32 गेंदों में 74 रन की पारी संजू सैमसन ने खेला, वहीं पर टीम के लिए 47 गेंदों पर 69 रन कप्तान स्मिथ ने बनाए। यहीं जोफा आचार्य ने 8 गेंदों में 27 रन का योगदान दिया। चेन्नई सुपर किंग के लिए सैम कुरन ने 4 ओवर में 33 रन खर्च किया, 3 विकेट भी हासिल किए। जब आपका लक्ष्य पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग की शुरुआत अच्छी रही। दोनों ओपनर बल्लेबाज 56 रन तक शानदार शुरुआत की थी, लेकिन जैसे ही शेन वाटसन आउट हुए वैसे ही चेन्नई सुपर किंग की पारी लड़खड़ाते हुए चेन्नई की टीम नियमित अंतराल के विकेट गंवाने लगी। अगर मैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही में सब्सक्राइब जरूर करें।